हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा पाइथन के पैटर्न प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट वीडियो है, जिसमें आज हम लोग ये पैटर्न देखेंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और उसके बाद 11 12 13 14 15 है। इसका मतलब यहाँ पर जो आपका नंबर है वो सिक्वेंस में दिख रहा है, बट वो सीक्वेंस में तो दिख रहा है, पर ये क्या हो रहा है कि पहले लाइन में एक नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में दो आ रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन में तीन आ रहा है, इस तरीके से आपका दिख रहा है। तो सपोज दैट अगर आप 5 इनपुट करेंगे तो ये 5 लाइंस तक इन नंबर को डिस्प्ले करेगा, हर लाइन में एक एक नंबर बढ़ा के। चलिए इसका प्रोग्राम लिखने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर लॉजिक को समझते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक नंबर इनपुट करना है। सपोज दैट अगर आप 5 इनपुट करेंगे तो 5 लाइन तक इन नंबर्स को दिखाएगा, पर नंबर का फॉर्मेट क्या होगा कि फर्स्ट लाइन में 1 दिखाएगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में 2 3, मतलब सीक्वेंस में दिखाएगा, उसके बाद 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10, उसके बाद 11 12 13 14 15। अगर आप 6 लिखेंगे तो नेक्स्ट लाइन में 16 17 18 करके ये 6 नंबर्स आपको दिखलाएगा। उसी तरह अगर आप 7 लिखेंगे तो 7 लाइंस तक दिखलाएगा। तो चलिए इस पैटर्न का प्रोग्राम लिखने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनपुट ले लेते हैं n इक्वल टू इंट, और उसके बाद इनपुट और ब्रैकेट में एंटर द नंबर, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक वेरिएबल k इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है, या फिर आप 1 भी रख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 i in range, कितने लाइन आपको जो है डिस्प्ले करना है वो आपको n लाइन डिस्प्ले करना है। तो यहां पर आप लिखेंगे 0, n, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 4j in range, और यहां पर हम लिखेंगे 0, i+1। ये हम चला रहे हैं कॉलम के लिए। तो यहां पर क्या होगा कि हर लाइन में जो नंबर्स डिस्प्ले होंगे वो डिपेंड करेगा कि i का वैल्यू क्या है। अगर i का वैल्यू जो है 0 है तो इसका मतलब पहला लाइन में केवल एक ही जो है नंबर डिस्प्ले होगा, अगली बार 2 होगा, अगली बार 3 होगा, ऐसे करके ये डिस्प्ले करेगा। अब यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पर आपको प्रिंट और के प्रिंट करना है, और यहां पर एंड इक्वल टू, यहां पर मैं स्पेस जो है ओपन क्लोज कर देता हूं, और उसके बाद आपको के इक्वल टू के प्लस 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और यहां पर मैं कर देता हूं प्रिंट, ठीक है, जिससे कि हम नए लाइन में आ जाएंगे। तो चलिए इसको हम रन करके देखते हैं और फिर हम लोग एक बार इसको समझेंगे। तो मैं अगर यहाँ पर 5 देता हूँ तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15, पर यहाँ पर थोड़ा स्पेस नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि के कोमा उसके बाद एंड के बाद आप जो है यहाँ पर स्पेस दे दें, ठीक है, एंड में जो है आप स्पेस दे दें। तो फिर से हम इसको रन करते हैं, और इस टाइम अगर हम 5 लिखेंगे, ठीक है, तो देखिएगा कि बिल्कुल वैसा ही डिस्प्ले हो रहा है जैसा हम डिस्प्ले करना चाहते थे। अब हम फिर से इसको रन करते हैं। अब हम अगर 10 देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 लाइंस तक जो है आपके नंबर काउंट हो रहे हैं और डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आपको पता है 1 से लेके अगर हम जो है 10 लाइन तक एक एक नंबर बढ़ाते हैं तो क्या आएगा, हमारा 55 आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक का जो सम होता है वो 55 होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे हमें प्रिंट करना है, पर इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं कि यह कैसे काम कर रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सपोज दैट आपने 10 इनपुट किया तो k का वैल्यू 1 से हमने इनिशियलाइज कर दिया, तो ये लूप आपका 10 बार चलेगा, और फर्स्ट टाइम i का वैल्यू 0 होगा। उसके बाद j का जो लूप चलेगा वो 0 से लेकर i+1, मतलब यहां फर्स्ट टाइम 1 टाइम चलेगा, तो k का वैल्यू प्रिंट होगा, तो k का वैल्यू क्या है 1, अगली बार k का वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर से आपका जो है यहां पर i के लूप में आएगा, तो i का वैल्यू अब यहाँ पर 1 हो गया, तो j का लूप आपका 2 बार चलेगा 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ पर पहली बार 2 प्रिंट होगा, और फिर k प्लस 1 होके सेकेंड टाइम 3 प्रिंट होगा, तो इस तरह से 2 3 प्रिंट होगा। अगली बार i का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा, तो ये जो लूप है वो 3 टाइम्स चलेगा,
तो 4, 5, 6 प्रिंट होगा, इसी तरह ये जो है प्रिंट होता जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी जो है प्लेसमेंट में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर ले, और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।